मस्तूरी विधानसभा के पचपीढ़ी गांव डॉक्टर एस के विश्वास कर रहा धड़ल्ले से इलाज नहीं अधिकारी का डर। झोलाछाप डॉक्टर ऑन का आतंक है। उनके इलाज से ग्रामीणों की भी बेसमय मौत की जानकारी लगातार सामने आ रही है। बावजूद उसके स्वास्थ्य महकमा अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसा ही एक मामला पचपीढ़ी के डॉक्टर एस के विश्वास का आया। ग्रामीणों के अनुसार यह झोलाछाप डॉक्टर लंबे समय से क्षेत्र में इंजेक्शन लगा रहा है और छोटी मोटी सर्जरी भी करता है। जब इसकी पड़ताल करनी भारत जब हमारे न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो उसे वैध प्रमाण पत्र की मांग की। उसने कहा कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं। इसके अलावा पचपीढ़ी में और भी कई झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम इलाज कर रहे हैं। उसने कहा दम है तो उन्हें भी बंद करके दिखाओ, जबकि मैं सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को पैसा खिलाता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई और ना ही होगी। जबकि अंदर जाकर देखा तो दवाओं का जखीरा मिला। पता चलता है कि झोलाछाप डॉक्टरों का अवैध कारोबार किस तरह फल फूल रहा है। देखना होगा समाचार का प्रभाव स्वास्थ्य अधिकारियों पर कितना पड़ता है और ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करने वाली झोलाछाप डॉक्टरों पर कब और क्या कार्रवाई होती है। किस डिग्री के बेस पे है, क्या लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास कुछ भी नहीं समझो तो क्यों कर रहे हैं सर? इसको तो भैया देखेंगे तो और कोई हमें देखने वाला और तो देखने वाला वो लोग देखेंगे। तो इधर सुनिए, चलिए ठीक है, आप कोई नहीं है पचपीढ़ी में। मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, मैं आपसे फालतू बात नहीं करूंगा। अरे भैया एक बात, उतना समय ना मेरे पास है ना आपका लूंगा मैं, ठीक है? इधर से सुनिए, अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है आपके उपचार से जान की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? वीडियो मत बनाइए, पहले वीडियो बंद कीजिए। आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, नहीं होगा वो एयर नहीं करेंगे। तो मैं भी वीडियो बनवाते हैं भैया, डॉक्टर बोलते हैं, उनके खिलाफ हमारे द्वारा बहुत सारे समाचार संचालन किए गए हैं लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है सर, इनकी क्या वजह है? सर्वप्रथम आप जो बोल रहे हैं ना, नहीं कार्रवाई हो रही है इस सही नहीं, क्योंकि हम लोग जो टीम बना के पूरा ब्लॉक के SDM महोदय और BMO को ऑथराइज किए थे, जाके जितना भी वहाँ पर हमको ज्ञात हो रहा है कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है उसको जांच करें, और जांच करके अगर वहाँ पर स्थिति पाया जाता है कि वो लोग सही में अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है या उसको सील बंद करने की कार्रवाई किया जाए। उस संबंध में वहाँ BMO और BPM लोग वहाँ पर भ्रमण भी किए जहाँ जहाँ उनको पता चला है, और कई जगह सील भी किए थे, और बाकी जो छोटे छोटे क्लिनिक रहता है जैसे हमको पता चला है जो एंटी क्रोकरी टीम जो बनाए हैं उसमें कि वो लोग अपना ताला बंद करके भाग जाते हैं जिस समय पहुंचते हैं, तो वहां पर हमको ऐसा कुछ ही नहीं मिलता कि उन लोग इलाज करते पाए गए, तो इस कारण भी थोड़ी दिक्कत आ रहा है। परंतु हम लोग अभी लेटर भी पहले कुछ दिन पहले निकाले थे, कलेक्टर साहब भी इस पर संज्ञान लेते हुए बोले थे कि पूरा जिस समय जो महामारी फैला हुआ था समस्त जो अवैध क्लिनिक को बंद किया जाए, तो लगातार प्रयास तो रहता है, हमारा हमेशा इंस्ट्रक्शन रहता है क्योंकि BMO और जो SDM महोदय है उसके लिए हम लोग अधिकृत करके रखे हुए हैं, और जिला स्तर पे जो प्रकरण आता है उसके लिए एंटी क्रोकरी टीम जो यहाँ गठित किया गया है वो उसका अवलोकन करता है आवेदन आने पर, फिर इसमें जो भी कानूनी प्रावधान रहता है उसके अनुसार कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाते हैं, पर हमारे पास ऐसा भी प्रकरण ज़्यादा नहीं आया है। बस इसके लिए मुख्यतः जो है BMO और वहाँ के SDM और संबंधित एक तहसीलदार इनको अधिकृत किया गया था अपन कलेक्टर महोदय द्वारा भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अवैध रूप से संचालित हो पूरा बंद होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है सर की? कुछ कुछ जगह पता चलता है हमको, जैसे हमको और कहीं पता चला कि आज कोई आप ही लोग जो है बता देंगे यहाँ पर संचालित हो रहा है तो अपन टीम भेजते हैं। पूरा हमारे पास लिस्ट है सर, आप चाहेंगे तो बिल्कुल दे दीजिए, हम उसको अवलोकन कर। नहीं, हम लोग करवाए भी हैं वहाँ पर जाके SDM और BMO महोदय ने उन्हें छापा भी मारा, बहुत लोग तो बंद कर दिए, कई लोग शपथ दे के अपना बोले कि आंधे से नहीं चलाएंगे, नियम वही कहता है ना, अगर कोई पकड़ा गए तो पहले एक बार उनको नोटिस दे के बंद करने के लिए हम लोग नोटिस देंगे, शपथ देते हैं तो उनको क्लिनिक को खोल दिया जाता है। और दोबारा मेडिकल की आड़ में जो झोला छाप डॉक्टर अपन बोलते हैं क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम स्वास्थ्य विभाग को मैनेज करते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। आप लोग आप लोग जो है ना ऐसे जितने लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे जितना बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं। एक आदमी सिद्ध कर दे कि यहाँ पर किसी को पैसा दिया गया है ना, जो कहेंगे उस कार्रवाई जो जिसको दिया गया उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हो बोलेंगे, यहाँ कोई मैनेज नहीं होता, और चूंकि ब्लॉक स्तर से ही उनको अधिकृत किया गया है हमसे मैनेज करके होगा क्या,
सील बंद तो उनको करना है, खोलने कार्रवाई ही करना है। एक आदमी कोई बताए कि वहाँ का सील बंद किया हो गया और यहाँ सीमेचो ऑफिस से खोलने के लिए हम लोग कोई आदेश किए हों। सर क्या भविष्य में ऐसी आपके पास तथ्य लाएंगे तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल होगी? बिल्कुल, जो नियम कहता है शासन को बिल्कुल होगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो प्राइवेट जो निजी के लिए करते हैं, अपने जो ऑथराइज सर्टिफिकेशन है जिसके लिए मान्यता प्राप्त है, उस इसमें पूरा जो नियम से नर्सिंग होम एक्ट में अपना अप्लाई करके वो अपना क्लिनिक चालू कर सकते हैं। और सरकार आजकल तो नियम को इतना शिथिल कर दिए हैं कि आराम से कोई अप्लाई करे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी जिस प्रति में करना चाहते हैं अप्लाई करेंगे तो तुरंत अपने क्लिनिक चालू कर सकते हैं, परंतु उनको अप्लाई करना पड़ेगा। परंतु जहाँ पर अवैध रूप से उसके बाद भी पाया गया तो सील बंद करने का अवन्य जो भी कार्रवाई हो सकता है सख्त कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे।